नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं एक और रेसिपी लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ भुट्टे को उबाल के खाने के लिए। सख्त भुट्टा नहीं लेना है, इस तरह एकदम दूधा दाना वाला भुट्टा लेना है। तो इसी तरह के भुट्टे को हमें उबालना है खाने के लिए, यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए किस तरह उबालेंगे सो देख लेते हैं। भुट्टे उबालने के लिए यहाँ पे हम चार भुट्टा ले लिए हैं और इसे कुकर में उबालेंगे। आपके पास कुकर नहीं है तो आप कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं। कुकर में दो सीटी में इसको उबालेंगे। चारों भुट्टों को इसी तरह तोड़कर कुकर में डाल देंगे और इसमें पानी डाल देंगे उबालने के लिए। कटोरी से एक कटोरी और आधा कटोरी से थोड़ा कम पानी भुट्टा उबालने में डाले हैं। चार भुट्टा को उबालने के लिए इतना पानी लिए हैं। अब इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे और ढक्कन लगा के इसे उबाल लेंगे। दो सीटी लगा लेंगे। तो गैस को जला दिए हैं, स्टीम को तेज कर देंगे और भुट्टे को कुकर में उबलने देंगे। तो देखिए कुकर में भुट्टा दो सीटी में उबल कर तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अभी इसमें गैस है तो इसे निकाल देंगे। तो सभी गैस कुकर के निकल गए हैं। भुट्टे कितने अच्छे उबल कर तैयार हो गए हैं। तो इसे हम कुकर से प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सभी भुट्टे उबल कर तैयार हो गए। बहुत ही अच्छा उबला हुआ है भुट्टा। देखिए इस तरह आप दाने को भी लेकर और इस तरह दबाइएगा, एकदम आराम से अच्छी तरह उबल जाता है। तो एकदम आराम से ये दाने टूट जाते हैं या इस तरह मसलिएगा तो मसल जाते हैं। बहुत ही अच्छे भुट्टे उबल कर तैयार हो गए हैं खाने के लिए। तो हैं इसके ऊपर नींबू भी लगाकर खा सकते हैं। तो भुट्टे उबल कर तैयार हो गया। इस तरह भुट्टे उबाल कर आप लोग भी खाइएगा। और भुट्टे उबालने का रेसिपी आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।